अच्छा बाबू जी, आज आपने जो है बनिया दी है अपने ग्राहकों को, क्या मकसद था आपका और क्यों दी गई? पहले बात तो मैं एक कहना चाहूंगा, मैं बावका तीसरी परिया दूध दही भंडार का ऑनर हूँ, चंद्र प्रकाश परिया मेरा नाम है। मेरा एक पिछले जब से मैंने डेयरी खोली, जब से मेरे एक दिमाग में बहुत बड़ी बात थी कि मैं यार गवर्नमेंट कब इन ठेलियों को बंद करे और मैं कस्टमर को स्टील की भंडी देके लोगों को जागृत करूँ कि भैया प्लास्टिक से मुक्ति चाहो। आज के टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए, प्लास्टिक जो आ रहा है, इस प्लास्टिक से जो बीमारी हो रही है, वो ये सब कुछ इस प्लास्टिक के अंदर खाद्य पदार्थ डालने से ही हो रही है। मेरे को मालूम है, जब मैं आज से 50 साल पहले मैं जब छोटा था, मेरे घर में मेरे मदर मेरे को दूध लेने भेजते थे, तो एक पित्तल की मुझे भरनी लेके भेजते थे। मैं वो भरनी लेके गायों के पास जाता था, वहां से दूध लेके मैं घर आता। तो जब से मेरे दिमाग में क्यों ना मैं भी एक ऐसा कदम उठाऊं कि मैं ऐसी पहल करूं जो इंडिया के अंदर हर घर में ये प्लास्टिक नहीं आना चाहिए। अभी एक जुलाई से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया है, प्लास्टिक बंद हो गया था। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा अभी ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी मैंने सबसे पहले पूरे इंडिया के अंदर ये दूध के काउंटर होते हुए मैंने ये पहले पहल की है। आज मैंने करीब 300 भरनी दी है। मेरा एक मकसद है, मेरे 2000 कस्टमर है, मैं हर 2000 कस्टमर के हर घर के अंदर मैं एक भरनी पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि कस्टमर आज भरनी डाल के देता हूँ, वो अगले दिन आए तो वो भरनी लेके आओ और मेरे से दूध ले जाए। और मैं मेरी इस प्लास्टिक से मैं मेरी शॉप को प्लस मेरे घर को प्लस इंडिया के सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हो रही है, ये कैंसर जो बीमारी है, हार्ट की जो बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर जो हो रहा है, ये प्लास्टिक के अंदर जो खाद्य पदार्थ डालने से खाने से ही हो रहा है। और गायों को आज मैं मेरे समाज के अंदर गायें हैं, लाखों की तादाद में गायें हैं जिनका दूध हमारे यहाँ आता है, हम उस दूध को बेचते हैं जो एक चौटे का नाम दे रखा है। जब गाय वहाँ हमारे घर में बीमार होती है तो हम गाय के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर बोलता है इसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको चीरा लगाना पड़ेगा। जब हम उसको पेट को चीरते हैं, जब उसमें जो गंदगी और जो पॉलीथीन देखते हैं, उससे हम ये सोचते हैं कि यार ये गाय की ये पोजिशन है, अगर हमने उस पॉलीथीन के अंदर का पदार्थ खाया उसमें हमारी क्या पोजिशन हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया प्लास्टिक मुक्त हो। और घर से एक ही बात कहना चाहूंगा, घर पर जब तक हो सकता है आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। परिचय बता दो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश परिया, तीसरी परिया दही भंडार का ऑनर बोल रहा हूं। अच्छा भाई साहब, आप यहां से दूध ले जाते हैं, आज यहां बनिया दी है आपको, तो क्या आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज के समय जो ये पर्यावरण की जो समस्या चल रही है प्लास्टिक के थ्रू, उसको निवारण के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। इनके लिए मैं बारम्बार सभी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। और आज के टाइम में देखते हुए ये चीज बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू से उन्होंने जो अपना सपना देखा उस सपने को पूरा किया और आगे भी उसे भी आगे काम करते रहे। नाम इसके शुभकामनाएं। नाम बता दो। मेरा नाम विष्णु राग है, मैं जब से ये दुकान खुली तब से अरे जोधपुर में पावटा में बबलूसा है, ये बहुत ही अच्छी पहल करते हैं हर बार, और इस बार भी इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है प्लास्टिक के लिए और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये अभी। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे प्लास्टिक मुक्त होगा तो फायदा होगा और हर पब्लिक को भी फायदा होगा, वो प्लास्टिक फट जाती है, कर जाती है, भंडी टूटेगी नहीं, फट करेगी नहीं।